दार्जिलिङ शहरमा लाग्यो 47 वटा तेस्रो आँखा अर्थात सीसीटीवी क्यामेरा। दार्जिलिङ शहर वरिपरिका 47 वटा मुख्य स्थानमा दार्जिलिङ पुलिसले 47 वटा सीसीटीवी क्यामेरा लगाएको छ, ताकि ती स्थानहरूमा भएका प्रत्येक समयको घटना यी क्यामेराहरूमा कैद हुन सकोस् अनि कुनै पनि दुष्कर्म वा अनैतिक कार्य गर्नेहरू विरुद्ध सहजै कानुनको हात पुग्न सकोस्, जसको उद्घाटन शनिबार दार्जिलिङका पुलिस अधीक्षक डाक्टर सन्तोष निम्बलकरले गरे। दार्जिलिङ पुलिस के पहले ही हमारे कुछ सीसीटीवी इंस्टॉल थे, उसी को सप्लीमेंट करने के लिए और बढ़ाने के लिए हमने 47 न्यू कैमरास इंस्टॉल किए हैं। अभी आपका पूजा सीजन आ रहा है, फिर टूरिस्ट सीजन आ रहा है, तो उसकी क्रिटिकलिटी को ध्यान में रखते हुए ये 47 न्यू सीसीटीवी कैमरास आज से स्टार्ट हुए। सर टोटल कैमरास कितने हो गए सर? 47 जो नए इंस्टॉल हुए हैं, इसको हम धीरे धीरे 100 तक, हमारा जो एम है कि इसको हम 100 नंबर ऑफ सीसीटीवी कैमरास में उनको लेके जाएंगे। ये एरिया कहाँ कहाँ तक कवर करता है सर? ये प्राइमरीली दार्जिलिंग टाउन एरिया है, उनको कवर कर रहा है, क्योंकि आपका मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट एक्टिविटीज हो गई, मोस्ट ऑफ द क्राउड हो गई, मूवमेंट है वो अपना दार्जिलिंग टाउन में होता है, और बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स हैं जिनको कवर करना हमारे लिए बहुत जरूरी था, बोथ आपका सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस ट्रैफिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी के लिए ये 47 है, इसको हम बढ़ा के 100 तक ले जाएंगे। इसमें साउंड का भी कुछ सोल्यूशन? हाँ, जो ये सीसीटीवी कैमरा है इसके थोड़ी जानकारी अगर मैं दे दूँ आपको, तो ये 360 डिग्री व्यू, इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो 360 डिग्री व्यू कवर करते हैं, जूम की फैसिलिटी है कि हम जूम करके देख सकते हैं अगर कोई मिसक्रिएंट हो या कोई हमें व्हीकल का इन्फॉर्मेशन चाहिए हो जिसने कुछ वायोलेशन किया हो। फिर और क्या था इसमें, और साउंड का ऐसा है कि जहां जरूरत पड़ेगी हम साउंड का भी उस एरिया का निकाल सकते हैं। ये फ्यूचर में 100 तक जाने का है सर? हाँ, हमारा जो प्लान है, हम जो चाह रहे हैं एसपी सर के इनिशिएटिव में, कि हम दार्जिलिंग टाउन को सीसीटीवी डिजिटल मीडियम से पूरी तरह कवर करें, ताकि जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स है, क्रिटिकल स्पॉट्स पे, उस पर हमारा सर्विलेंस रहे। इससे फ़ायदा पब्लिक के लिए तो होगा ही होगा, हमारे लिए, पब्लिक के लिए इसके लिए बहुत फ़ायदा है। हम कोई ट्रैफिक वायलेशन है उसको पकड़ सकते हैं, कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे मान लीजिए पुलिस का प्रेजेंस इमीडिएटली नहीं हो पा रहा है, तो सीसीटीवी के थ्रू एक वो डर बना रहेगा मिसक्रिएंट्स में कि सीसीटीवी के थ्रू वॉच करा जा रहा है। तो हमें जो लगता है कि एक बहुत ही अच्छा ये डिटरेंट है सोसाइटी में, एक पीस या आप कह लीजिए कि सेफ्टी मेंटेन करने के लिए। सर ये सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए जो लोकल दुकानें वगैरह है, इनके लिए आपको साइड से कोई एडवाइजरी है सर? नहीं, हमने देखो ये जो सीसीटीवी है ये तो हमारा ओन इनिशिएटिव है, कि हमने अपने इनिशिएटिव पे सर के गाइडेंस के अंदर हमने इनको लगवाए हैं। जो आपके शॉप्स हो गए, दुकानदार हो गए, हम उनको यही रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आ, ये तो हमारे लगाए हुए सीसीटीवी से, तो ये तो एक पर्टिकुलर जोन कवर करते हैं, बट अपनी दुकान की सेफ्टी के लिए ये वो भी सीसीटीवीज लगाएं। आजकल तो सब डिजिटल की तरफ जा रहे हैं, वो उनकी शॉप भी प्रोटेक्टेड रहेगी, और हमारे तो खैर उनको सप्लीमेंट करने के लग ही गए हैं, बट आपके चैनल के माध्यम से मैं ये उनको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि काइंडली प्लीज़ थोड़ा सा ज़्यादा, सीसीटीवी आर नॉट दैट एक्सपेंसिव, थोड़ा सा वो अपना लगाएंगे तो उनका सेफ्टी, उनका सिक्योरिटी, हमें मदद मिलती है डिटेक्शन में। तो आई होप आपके इस माध्यम से वो थोड़ा देखें कि यार अपने अपने दुकान में थोड़ा सीसीटीवी लगाएं। यसरी नै दार्जिलिङ पुलिसले 2 वटा नयाँ बाइक मार्सलको पनि सुरुवात गरेको छ। आज एक्चुअली हमारा दार्जिलिङ पुलिस ट्रैफिक के तरफ से 2 बाइक का इनोग्रेट किया हुआ है, हमारे स्पेशल डिस्ट्रिक्ट सर ने किया है। एक्चुअली ये 2 बाइक हम लोगों ने अभी स्पेशली सीजन टाइम आ रहे हैं इसके लिए किए हैं, तो जितना जाम होता है सीजन टाइम में आप लोगों को मालूम है, फिर सीजन के बाद भी ये बाइक चलेंगे, जहाँ पर भी जाम होगा ये तुरंत जाके वहाँ पर रिस्पॉन्ड करेंगे, और ये घूमता रहेगा जगह जगह पे, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हम लोग देखेंगे। इसका एरिया कहाँ से कहाँ तक रहेगा? ये अभी जोर बांग्लो जहाँ से मेन जैम होता है, जोर बांग्लो जोन 1 जोन 2 जोन 3 से शुरू करके जितना भी दार्जिलिंग टाउन एरिया है, टूरिस्ट प्लेसेस है, सब जगह में घूमता रहेगा। ये 2 ही बाइक रहेगा आगे बढ़ाने का आप लोगों का कार्यक्रम? अभी तो हमारे पास 2 ही बाइक आया है, अब तो हम धीरे धीरे इसको बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे।